सालार, तुम? हाँ मैं। तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे देख के? नहीं, मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक काम था लाहौर में, इसी में आई। और कोइंसिडेंस देखो, उसी होटल में रूम लिया जहाँ तुम ठहरे हुए हो। वदीमा का कुछ पता चला? नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुम इतनी कोशिश कर रहे हो, मिल जाएगी। आओ कॉफी पीते हैं। नहीं यार, मुझे थोड़ा काम है, शाम को मिलता हूँ। मैं 1000 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ तक आई हूँ, थोड़ी सी मेहरबानी किस्मत ने की है तुमसे मिलवा कर। थोड़ी सी तुम कर दो कॉफी साथ पीकर, एंड आई एम श्योर कि 10 मिनट में तुम्हारे मकसद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कम ऑन। ओके, लेट्स गो। थैंक यू। वदीमा की अम्मी की तबीयत काफी खराब रहने लगी है, तुम्हारे बारे में बहुत पूछती हैं। आई थिंक अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। वापस तो मैं जाना चाहता हूँ यार, लेकिन वदीमा के बगैर वापस जाऊंगा तो उसकी वालदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। हाँ मगर कब तक यूं ही भटकते फिरोगे? मैं भटक नहीं रहा हूं। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ये तो तुम्हें हर बार लगता है। हाँ, क्योंकि सही लगा है मुझे हर बार। मैं दुबई में माजिद को पकड़ने के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। समझ नहीं आता उसे कैसे पता चला कि मैं वहां आने वाला हूं। ऐसा लगता है जैसे कोई है जो उसे सब बता देता है। मुझे क्या पता, हो सकता है माजिद वहां हो नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि वदीमा के मिलने में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। I'm sorry, मुझे फील होता है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो साना? मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि वदीमा तुम्हें मिले? और इस सारे मामले में जितनी हेल्प मैंने तुम्हारी की है ना, शायद ही किसी ने की होगी। मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? I'm sorry, मैंने कहा मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। न जाने लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं जिनके मतलब समझाने पड़ जाए। सर लिसन टू मी सर,